बब्लू डब्लू पार्क में एक और खूबसूरत दिन। सूरज पहाड़ों से झांक रहा है और बच्चे आराम कर रहे हैं। सुनो दोस्तों, तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है? वैसे मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो दुनिया की सबसे सुंदर लोमड़ी बनूंगी। जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं अपनी मम्मी के साथ खेलूंगा और रोज अपने दोस्तों से मिलूंगा। बड़े, पता नहीं तुम बड़े होके कैसे दिखोगे। मैं तो मिस जान की जैसा बनना चाहता हूँ, समझदार और मददगार और महान भालू बनूंगा। ये तो बहुत ही प्यारा है। दोस्तों, अब मेरी बारी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक आविष्कारक बनूंगा और इस दुनिया के सारे लोग मुझे जानने लगेंगे। आविष्कारक क्या होता है? आविष्कारक गजब के लोग होते हैं। वो ऐसी चीजें बना सकते हैं जो कभी इस दुनिया में थी ही नहीं। वो लोगों की मदद के लिए बहुत सारी चीजें बनाते हैं। अब मैं भी बनाऊंगा। ये तो गजब का है। पर निकू, कभी तुमने कोई आविष्कार किया है? वैसे आविष्कार आविष्कार करना मुश्किल नहीं है। आज मैं कुछ नया आविष्कार करके दिखाऊंगा। चलो बिनिकू, कुछ सोचो, कुछ भी अच्छा सोचो। सभी चीजें तो पहले से बना दी गई हैं। अब मैं क्या बनाऊं? कुछ तो सोचना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने अपना मुंह क्यों खोला सबके सामने। सुनो निको, क्या तुम ठीक हो? मिस बैनर्जी, वैसे ऐसा लग रहा है जैसे सारी चीजें सभी लोगों ने बना दी है। अब ऐसा क्या बचा है जो मैं बनाऊं? अच्छा तो ये बात है निको, मेरी बात सुनो। आविष्कारों की कोई सीमा नहीं, उन्हें आराम से देखो, समझो और आसपास की चीजों पे ध्यान दो। देखो, समझो और आसपास की चीजों पर ध्यान दो। मैं समझ गया। थैंक यू मिस बैनर्जी, बाद में मिलते हैं। कितना होशियार है निकू। मुझे चीजों पर ध्यान देना है और उन्हें समझना है। मैं इस रास्ते से हजारों बार गुजरा हूँ, अब ऐसा क्या बचा है देखने के लिए? अरे मैं गिर रहा हूँ। ये क्या चीज है? मंगू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गड्ढे खोद रहा था। खोद रहे हो? पर हम खोदने के लिए बेलचा इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। नीकू, तुम ये क्या कर रहे हो? देखो मंगू, मेरा नया आविष्कार, एक बेलचा। इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। नामुमकिन है, मेरे पंजे इससे ज्यादा तेज हैं। चलो फिर प्रतियोगिता रखते हैं। ये एकदम नामुमकिन है। हिम्मत मत हारो निकू, तुम कर सकते हो। निकू, निकू, तुम कर सकते हो, आगे बढ़ो। पर तुम क्यों नहीं खोद रहे हो? मैं? पर मैंने तो कर दिया। मैं हार गया। चिड़िया वो उड़ रहे हैं। हाँ, मैं कुछ ऐसा आविष्कार करूंगा जिससे मैं आसमान में चिड़ियों की तरह उड़ सकूं। हाँ,
मैं दोबारा कोशिश करूँगा। हाय गुल्लू। निकू, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ। ठीक है, बाय बाय। अरे नहीं, मैं तो हार गया। आविष्कार करना इतना मुश्किल क्यों है? मेरा प्लेन तैयार हो गया है, देखें किसका प्लेन दूर तक जाएगा। ओके छोटे, देखते हैं। देखना मेरा प्लेन तुम्हारे प्लेन से ज्यादा दूर जाएगा। एकदम बकवास, मेरा प्लेन बहुत बेहतर है और देख लेना मैं जीत जाऊंगा। नहीं, मेरा प्लेन। अरे मेरा प्लेन जीत गया। नहीं, मैं जीत गया, तुम हार गए। ये तो चीटिंग है। अभी दिखाता हूँ तुम्हें इनमें कितना बचपना है। मैं बोर हो गया हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। तो मेरा बलून प्लेन तैयार है। जाओ नन्हे प्लेन, जाओ। तुम्हारा प्लेन मुझसे कभी नहीं जीत सकता, पता है क्यों? अभी दिखाता हूँ, ये देखो। समझ आया? दोस्तों, मेरा नया आविष्कार, देखते हैं किसका प्लेन सबसे दूर जाता है। वाह, ये इतने दूर उड़ रहा है। निकू, तुम्हारा प्लेन तो कमाल का है। मेरा सबसे पहला आविष्कार। तुम्हारी सिर्फ किस्मत अच्छी है। जरा एक बार और उड़ा के दिखाओ तो। दुबारा उड़ाओ, दुबारा उड़ाओ। ठीक है फिर। ए निकू, मुझे कोशिश करने दो। दूर तक जाओ। वाओ, सच में इतनी दूर तक उड़ सकता है? पता नहीं को, तुम काफी स्मार्ट हो। ये निकू, तुम कमाल हो, बहुत बढ़िया। सच में, मैं चाहूँ तो मैं भी ऐसे प्लेन बना सकता हूँ। ये सही है, पता है, हम सब आविष्कार कर सकते हैं। हमारी टीचर कहती हैं कि आविष्कार की सीमा नहीं होती है। चलो देखते हैं मेरा प्लेन कितना दूर जाएगा। तो ये अब मेरा प्लेन देखो। बहुत अच्छा बड़े। ये तो कमाल है। देखो कितना ऊपर जा रहा है। कमाल कर दिया राजकुमार। मुझे तो लगता है आविष्कार करना सच में मजेदार है। हमें चीजों को ध्यान से देखना चाहिए और उसे समझना चाहिए, तब हम जाकर नई चीजें बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीजें। हे बच्चों, याद रहे, ज्यादा देखो और सोचो, तुम भी आविष्कारक बन सकते हो। और याद रहे, अपने आविष्कार अपने मम्मी पापा को दिखाना मत भूलना, ठीक है?